तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके, जिसमें से आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आज ब्लड फ्लूटो एडिटिंग पे एक और वीडियो बनाओ, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी जिस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा सपोर्ट दिया और उसमें 50K व्यूज यानी कि 50,000 व्यूज आप लोगों ने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो वैसे आपको मतलब बता रहे भाई सेकेंड वीडियो लाओ, तो सेकेंड वीडियो आ चुका है आपको, इस पर हम बताएंगे कि इस टाइप की फोटो एडिटिंग किस टाइप से करनी है और HD क्वालिटी में कैसे सेव करनी, वो भी एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से, ठीक है। आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई ऐप या किसी मतलब PC वगैरह या लैपटॉप के, मैं आपको एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से इसमें लेंस कैसे लगाना है और ये ब्लड फोटो एडिटिंग मतलब इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने बोला था कि भाई सेकेंड वीडियो बनाओ, तो सेकेंड वीडियो मैं अभी बना रहा भाई आप लोग के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की फोटो एडिटिंग आपको हम सिंपल से एंड्रॉइड मोबाइल से करके दिखाएंगे, इसमें सारे पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम सब बिना टाइम का भाई फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगा जाता है और भाई आप में से एक लोग बहुत गलती करते, ठीक है, और गलती करते और फिर कमेंट करते, वो गलती ये है गाइस कि आप में से काफ़ी लोग जब हमारी वीडियो देखते हैं ना तो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते, और जब गाइस हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप नहीं देखोगे तो आप एक भी स्टेप छूट जाएगा, तो आप नहीं सीख पाओगे और फिर आप कमेंट करो। इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, एक एक स्टेप को देखो, तभी जाके आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको फोटो एडिटिंग नहीं बन पाएगा और फिर आप कमेंट करोगे। यदि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखना है तो आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, ठीक है, और तो नहीं, क्योंकि गाइस आप नहीं सीखोगे तो वीडियो देख के क्या फ़ायदा, ठीक है। जब सीख लोगे तभी तो अच्छे से फोटो एडिटिंग कर पाओगे, तभी अच्छा कमेंट करोगे, नहीं तो फिर से आप ऐसा ही कमेंट करोगे, ठीक है। तो गाइस बिना टाइम का भाई फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये फोटो एडिटिंग मतलब मैंने मतलब एडिट किया था, जो कि हमारी नॉर्मल फोटो कुछ इस टाइप से है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। उसके मैंने इस टाइप से एडिट किया था, जाके काफ़ी औसम लग रही, ठीक है। देखो इस टाइप की फोटो थी और इसको एडिट किया, काफ़ी औसम लगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑनली हम अपनी स्टार्ट करते फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो गाइस फोटो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ ना, तो आपको सबसे पहले सीख के सबसे पहले आप अदर्स ऐप पे अपलोड करके अच्छे खासे लाइक्स कमा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इससे पहले भी मैंने ब्लड PNGs वाले पे फोटो एडिट ऐसे अपने मतलब यूट्यूब पे बनाया था फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आप लोग ने दिए हैं, जो कि भाई 40,000 व्यू है आप, जो कि हम लोग के छोटे यूट्यूब के लिए बहुत होता है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बने रहे दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे, वो भी एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से, जो आपको पूरे यूट्यूब पर गाइस हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, तो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप सर्च करके देख सकते हो इस मोबाइल मतलब इस यूट्यूब चैनल पर ना, आपको एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से ही फोटो एडिटर बना दूंगा, वो भी एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो इस पे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड इतने सारे वीडियोज हैं और आपका प्यारा सपोर्ट बना रहता है, तो गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर। तो हमारी ये नॉर्मल फोटो है, देख सकते हो इस टाइप की, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने लाइटरूम में। तो गाइस यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो फर्स्ट ऑनली स्टेप 1 जो है अपने लाइटरूम में ओपन करेंगे इसकी फोटो, ठीक है। लाइटरूम ओपन करने के बाद क्या एकदम ऑल फोटो में जाएंगे और वो वाली फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी फ़ोटो, जो कि अभी काफ़ी धब्बे टाइप से दिख रही है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आज हम लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट पूरा माइनस करेंगे, शैडो इंक्रीज, वाइट पीछे, ब्लैक पीछे, ठीक है। इतना करने के बाद डन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम इस वाले टून में, ऑरेंज कलर पर क्लिक करेंगे, सेचुरेशन माइनस करके लुमिनेस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जितने भी आप डब्बे वब्बे देख रहे हो सब हम गायब करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा जाते हैं इसमें और ब्लैक वाले को थोड़ा आगे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, उतना कर देंगे। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, येलो टून को हम इधर लुमिनेस को पीछे कर देंगे, सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। ग्रीन वाइट टून में भी जाके तो ऐसे करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड की जो टून है येलो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम सेम सारे से कलर को सेचुरेशन हुई को माइनस कर देंगे, तो इतना करने पर हमारी येलो टून हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आर को इधर से बढ़ा लेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे गाइस, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखो, ठीक है। टेक्सचर हम थोड़ा पीछे कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा धब्बा आप देखो तो यहाँ पर धब्बा दिख रहा है फेस पर, दिख रहा है ना, उसके बाद हम पीछे करेंगे तो टेक्सचर से वो सब हट जाएगी, ठीक है, जितना कर लेंगे। उसके बाद क्लियरिटी जो है गाइस इसको भी थोड़ा पीछे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फेस पे धब्बा है, ठीक है, देखो धब्बा दिख रहा, पीछे करेंगे तो ये धब्बा हट जाएगा। तो गाइस
ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कभी नहीं पता होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद गाइस हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, डिटेल्स फुल कर देंगे, ठीक है। नॉइस रिडक्शन थोड़ा, डिटेल्स फुल, फिर कलर नॉइस रिडक्शन डिटेल स्मूथनेस फुल कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस हमारी फोटो कुछ इस टाइप से बन जाती है, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, दिखने में काफ़ी ऑसम लग रही है ना। इसके बाद क्या करेंगे गाइस, स्टेप टू में इसको शेयर करेंगे अपने ऑटोडेस्क में, जहाँ से हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। सॉरी, उससे पहले गाइस यहाँ से ही हम लिप बना लेते, ठीक है, नहीं तो हम वैसे वहाँ से भी बना सकते थे पिक्स आर्ट से, लेकिन यहाँ से हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए चूज़ करेंगे सेलेक्टिव टूल, यहाँ पे जाएंगे, सबसे फर्स्ट में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे और सेलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे और ब्रश ये वाला छोटा वाला चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पेंट कर देंगे, ठीक है, और ऊपर वाले की हम इरेज कर लेंगे। उसके बाद क्या जाएंगे हम नीचे वाले कलर में, देखो बूम, ठीक है। तो हम यहाँ से डन करते हैं, हमारी देख सकते हो गाइस यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिख रहे हो, काफ़ी ऑसम लग रही है, इसीलिए बोलता हूँ भाई पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। उसके बाद इसको शेयर करेंगे और इसको हम ऑटोडेस्क में ओपन करेंगे, ठीक है। देखा जो ऑटोडेस्क में ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ये वाली ब्रश जो हम आपको बताते हैं स्मूथ करने के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, और यदि पुराने हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसको फॉलो स्ट्रेंज इतना रखेंगे, ये वाला ब्रश चूज करेंगे, ठीक है, ये वाला नीचे जो आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली गाइस देखो, तो यहाँ से हम अपने ब्रश, तो आज हम आपको स्मूथ करके दिखाते हैं पूरा एच डी क्वालिटी में, ठीक है। तो हम यहाँ साइज बढ़ाएंगे, अब देखो यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से आपको स्मूथ होगा, ठीक है। देखो फेस की कैसी फेस थी पहले, अब देखो आप देखोगे तो फिर बताओगे कि कैसी इस फेस स्मूथ होगी, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है कुछ, काफ़ी ऑसम लग रहा है ना, पहले कैसी दब्बी वाली फ़ोटो थी, ठीक ही नहीं, अब आप बताओ कैसी फ़ोटो है। तो पहले हम साइज बड़ा करके बड़ी वाली जगह पे कर लेते, ठीक है, उसके बाद छोटा करके छोटे वाली जगह पे कर लेंगे, इससे हमारी फ़ोटो अच्छी हो जाएगी। तो वैसे ऐसी फ़ोटो एडिटिंग आपको कहीं नहीं बताया, ठीक है, कोई सा भी यूट्यूब हो देखो, कहीं भी यूट्यूब पर आप सर्च करके भी देख सकते हो ना, आपको इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग ना के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ वीडियो को सोच लास्ट तक देखो, सीखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, क्योंकि ऐसे फ़ोटो एडिटिंग आपका भाई लाता है, क्योंकि तबाही वाली फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे, आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो बन चुकी है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है दिखने में। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है, जो कि है कहीं कहीं मन लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लाइट प्रॉब्लम को भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपनी ब्रश को चूज करेंगे, इसके साइज थोड़ा बढ़ा देंगे और देखो दिख रहा साइड हो गया ना, यहाँ पे हमारी गाल पे भी है, तो हम वही स्टेप आजमाएंगे, अपनी ब्रश को बढ़ा के यहाँ पे गोल गोल साइज करेंगे, देखो वहाँ से भी हट चुकी है। जहाँ जहाँ आपको यदि काला धब्बा टाइप का लगा तो वहाँ पर ब्रश की साइज को थोड़ा बढ़ा के गोल करके आराम से कर लेना, ठीक है, तो अच्छे लग रहे दिखने में। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। पिक्सार्ट में तो पिक्सार्ट ओपन करते हैं, और पिक्सार्ट ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक पता ही होगा ब्लड की पीएनजी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पीएनजी आप डाउनलोड कर लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ से जाते हैं अपनी सेटिंग्स, सॉरी जहाँ से हमने रखी है, आपको यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाके स्किन कर मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमको जहाँ फिट करना है, लेफ्ट राइट जहाँ फिट करेंगे वहाँ फिट हो जाएगा। उसके बाद हम डन कर देते हैं, उसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे, फिर से हम एक आपको आंसू का भी पीएनजी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ओनली
हम जाते हैं अपने पीएनजी में और अपने आंसू का पीएनजी सॉरी ले लेते हैं, तो वो पीएनजी हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो पीएनजी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फोल्डर में होगी वो फोल्डर कहाँ गई, आई थिंक मेरे मोबाइल से वो डिलीट हो चुका। तो ये रही हमारी आंसू की फोटो, ठीक है। तो हम कट करेंगे और इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करेंगे, ऑपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। और इरेजर से हम यहाँ से साइड से मिटा लेंगे, ठीक है। इसके हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखो इसमें भी अब एडिटिंग आपको सीख थोड़ा बहुत बता देते हैं हम आपको। लाइट थोड़ा बढ़ाएंगे और डन पर क्लिक करके हाईलाइट ऑपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो दिखने में काफ़ी ऑसम लग रही है ना, आंसू टाइप की। तो गाइस इतना करने के बाद हम और भी पीएनजीस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है दिखने में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।